हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग के लिए लेके आए ऑल न्यू हीरो एक्सट्रीम का ब्लैक स्टेल्थ एडिशन। दोस्तों, ये जो अब मेरे सामने हीरो एक्सट्रीम 160R का वेरिएंट देख रहे हो, ये इसका काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आप मेरे सामने देख रहे हो। इसका कह सकते हो एक तरीके ये इस बाइक का जो बेस वेरिएंट रहने वाला है, और कंपनी ने बहुत अच्छे प्राइस के अंदर जो इस बाइक को जो है यहाँ पे लॉन्च किया है। और साथ ही मैं आपको बताता चलूंगा कि इस बाइक पे आपको क्या ऑफर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, और क्या ये बाइक आपको खरीदनी चाहिए या नहीं। और मैं कहूँगा कि भाई ये 160cc के अंदर जो है काफी ज्यादा बेहतरीन एक प्रोडक्ट है जो कि हीरो की तरफ से जो आपको देखने को मिलता है। इस बाइक के अंदर दोस्तों आपको जो है ऑल न्यू एलईडी हेडलाइट का सेटअप देखने को मिलता है, रिफ्लेक्टर बेस एलईडी हेडलाइट का सेटअप आता है। हीरो का 3D लोगो देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको हीरो के एलईडी इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। इसका प्राइस को कम करने के लिए कंपनी ने क्या किया है कि जो 160R जो कटो वेरिएंट है उससे जो है यहाँ पे USD अटैक इसके अंदर टेलीस्कोपिक डाल दिए हैं, और जो इसका सस्पेंशन है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। और यहाँ पे आपको फ्रंट में 276mm की जो है यहाँ पे पेडल डिस्क प्लेट देखने को मिलती है, जिसमें आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिलेगा। साथ ही में डुअल पिस्टन ब्रेक कैलिपर आता है, और फ्रंट में आपको जो है भाई यहाँ पे 180-17 का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है अलॉय व्हील के साथ में। साथ ही में दोस्तों, इस बाइक के अंदर जो मेन कारण है इस बाइक के प्राइस ड्रॉप का, वही है कि इस बाइक के अंदर आपको जो है 160cc का जो है ओल्ड इंजन देखने को मिलता है, जो कि पहले एक्सट्रीम 160 में आया करता था, उसी इंजन को जो है यहाँ पे कंपनी ने रखा है। ये अब 160cc का 2-वॉल्व सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है, जिसके अंदर आपको मैक्स पावर यहाँ पे 14.70 BHP की, और जो मैक्स टॉर्क है वो 14 Nm देखने को मिलता है। और अच्छी बात क्या है कि भाई कंपनी ने इसको स्टेल्थ ब्लैक लुक के अंदर जब से लॉन्च किया, तो ओवरऑल जो बाइक की जो फिट एंड फिनिश है, जो लुक है, वो काफी ज्यादा प्रीमियम है आपको देखने को मिलता है। साथ ही में अब आपको इस बाइक के अंदर प्रोग्राम FI जो है यहाँ पे देखने को मिलता है, और यहाँ पे आप देख भी पा रहे हो ये इसका जो है भाई फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है, ये इसका भाई सेंसर्स वगैरह जो है यहाँ पे लगे हुए हैं, इसका भाई O2 सेंसर हो गया यहाँ पे। और इस बाइक के अंदर आपको किक भी देखने को मिलती है, जो कि अदर ब्रांड में अगर आप जाओगे 160cc में तो वहां पे जो है भाई आपको किक देखने को नहीं मिलती। साथ ही में दोस्तों, इस बाइक के रेयर में आपको मोनो सस्पेंशन देखने को मिल जाएंगे, रेयर पैनल पे 160R की ब्रांडिंग, और इस बाइक के टेल लुक को जो है यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। टेल में जो भाई कम्प्लीट LED जो इसकी टेल लाइट यहाँ पे रहने वाली है, और जो इसके इंडिकेटर है ये भी कम्प्लीट LED हो चुकी है और फ्लेक्सिबल है। और इस बाइक के रेयर में ड्रम ब्रेक दिए गए हैं, ताकि ये बाइक आप लोगों के बजट में आ जाए। और रेयर में 130mm के ड्रम ब्रेक का सेटअप आता है। अगर रेयर से टायर साइज की बात करूं तो इस बाइक के रेयर में आपको जो भाई यहाँ पे 130/80/17 का ट्यूबलेस टायर जो है आपको देखने को मिल जाता है भाई। और अगर मैं बाइक की दूसरी तरफ आपको लेके चलूँ, तो यहाँ से जो आप बाइक के लुक को चेक कर सकते हो, इस तरफ में जो आपको यहाँ पे साड़ी गार्ड वगैरह जो है देखने को मिल जाता है। साथ ही में यहाँ पे स्प्लिट ग्रैबल आते हैं, और इस बाइक के अंदर आपको सिंगल सीट जो है यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और सीट के कम्फर्ट की बात करूँ तो आपको जो है ठीक ठाक जो है इसका यहाँ पे सीट का कम्फर्ट देखने को मिलता है। पेंट की क्वालिटी चेक कर सकते हो भाई, पूरी की पूरी जो है रिफ्लेक्शन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है मेरी, और इससे पता चलता है कि पेंट आपको यहाँ पे कितनी बेहतरीन क्वालिटी का जो है देखने को मिलता है। फ्यूल टैंक की बात करते हैं, फ्यूल टैंक आपको यहाँ पे जो है भाई 14 लीटर का फ्यूल टैंक आपको देखने को मिलता है, और ये न्यू वेरिएंट है तो E20 वाला वेरिएंट है, तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो। और इस बाइक के अंदर जो है इस टाइप से यहाँ पे कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे आपको, पास लाइट का, हाई बीम लो बीम का स्विच हो गया, इंडिकेटर, हॉर्न, इस तरफ में दोस्तों आपको हैजार्ड लाइट, और यहाँ पे जो है इंजन किल और सेल्फ का स्विच जो है देखने को मिलता है। डिस्प्ले वगैरह जो है इसके अंदर LCD डिस्प्ले आती है, डिजिटल डिस्प्ले, और अभी मैं इसको ऑन करके नहीं दिखा सकता क्योंकि बाइक के अंदर जब भी बैटरी कनेक्शन हो नहीं रखे, मैं जो आपको स्क्रीनशॉट जो है शेयर कर दूंगा, आप जो उसमें चेक कर सकते हो कि बाइक के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स वगैरह देखने को मिलती है। वैसे बाइक के अंदर आपको ब्लूटूथ वगैरह जो है यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ ही में इस बाइक के अंदर आपको दोस्तों 5-speed का जो है मैनुअल गियर बॉक्स देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको साइड स्टैंड भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें इंजन कट ऑफ सेंसर भी है, और मेन स्टैंड भी आपको यहाँ पे जो है देखने को
मिल जाता है। ओवरऑल बाइक काफी अच्छी है, कहीं कहीं पे आपको जो है इस टाइप से जो है मैट की ऐसे फिनिश देखने को मिलेगी, कहीं कहीं पे आपको ग्लोसी टच जो है यहाँ पे देखने को मिलता है, साथ ही में आपको 3D में एक्सट्रीम स्ट्रेंथ की जो है ब्रांडिंग जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। और काफी ज्यादा मैं कहूँगा भाई बेहतरीन बाइक जो है ये हीरो कंपनी की तरफ से जो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो बाइक है भाई आपकी, इस बाइक के रियर में जो आपको 7-स्टेप एडजस्टेबल मोनो सस्पेंशन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। आप इसको नॉर्मल मोनो सस्पेंशन ना समझे, हालांकि ये इसका बेस वेरिएंट है, लेकिन इसके अंदर भी आपको रियर मोनो सस्पेंशन जो है वो आपका 7-स्टेप एडजस्टेबल आपको देखने को मिल जाता है। और इस बाइक के अंदर दोस्तों आपको 5 साल और 70,000 किलोमीटर की जो है हीरो कंपनी की तरफ से स्टैंडर्ड वारंटी देखने को मिलती है। और अगर मैं बात करूं इस बाइक के ऑन रोड प्राइस की, तो दोस्तों ये बाइक जो है आपकी 1,35,000 रुपये के ऑन रोड प्राइस में दिल्ली के अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगी। और दोस्तों इस बाइक से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वारीज वगैरह है तो आप जो है यहाँ पे शोरूम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शोरूम की कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको स्क्रीन पे भी शेयर कर दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको शोरूम की गूगल लोकेशन का लिंक देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और कुछ रह गया बच गया हो तो भाई कमेंट करके बता देना। बाकी आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं ऐसी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।